आई इस वीडियो में हम लोग मोशन के फर्स्ट इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग ड्राइव कर चुके हैं और उस इक्वेशन को उस फार्मूला को यूज करके हमें ये गिवन न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करेंगे। और भी प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तो प्लीज़ आप ये सारे वीडियो को देखें और मोशन टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश करें। और मेरी कोशिश है कि आपको बहुत हद तक आपका मोशन का सारे टॉपिक को क्लियर करूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनेंगे या न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको गिवन डाटा को लिख देना कि क्या क्या दिया हुआ है, और ये गिवन डाटा आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा डाटा क्या है। जैसे देखिए, किलोमीटर पर आवर दिस इज द स्पीड, 60 किलोमीटर वही भी स्पीड है, 5 सेकंड क्या दिखाता है टाइम, और एक्सीलरेशन निकालने का रहा है। तो बस स्टार्ट करें, सपोज डेट आपका ये बस है, ठीक है। ये बस का इनिशियल वेलोसिटी कितना कह रहा है, ये कह रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और कुछ सेकंड के बाद आपका कितना हो जा रहा है, ये बस का स्पीड जो है वो आपका हो गया 60 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। मीन्स 5 सेकंड में, ये 5 सेकंड में इसका स्पीड क्या डिक्रीज हो रहा है आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। तो हमें निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ द बस, ठीक है। तो गिवन डाटा में आपका क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ये सबसे इनिशियल स्पीड कितना उसका था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 80 किलोमीटर। तो हम जनरली इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u = 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मेरा ये टाइम जो दिया हुआ है 5 सेकंड दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 80 है कि 1 किलोमीटर 1000 होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 1 आवर में 360 होता है, 3600 होता है आपका सेकंड, ये डिवाइड कर दिए, ये दोनों साइन कट गया और ये आपका कट गया 5 टाइम, और ये हो गया 18 टाइम हो गया, ये फिर कट जाएगा आपका, और ये कट जाएगा 40 टाइम। तो आपका क्या हो गया 200/9 फ्रैक्शन में ही रहने देंगे, ये आपका ये मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। उसी तरह अब ये कह रहा है ये फाइनल 60 किलोमीटर फाइनल वेलोसिटी हो गया, तो आपका v = कितना हो जाएगा, v = 60 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो गया आपका 60 × 1000/3600, ये 0 से 0 कट गया, ये कट गया 6 टाइम में, 10 से कट गया, और ये 50 और ये 3, तो ये हो जाएगा आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना आपका है, आपका टाइम = दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है। देखेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, ओके। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, या डायरेक्ट एक्सीलरेशन = ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, a = v - u/t, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, तो a = क्या, v का वैल्यू आपके पास कितना है,
50/3 माइनस 200/9 बाई टी का वैल्यू 5 हो गया, शुरू कर देंगे तो 39 कैल्शियम 9 हो गया, 150 माइनस 200 बाई 5 तो आपका ए का वैल्यू कितना आ गया, -50/9 इंटू 1/5 तो ये कट कितना हो गया, 10 टाइम कट गया, डैट इज आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया -10/9। ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का वैल्यू, दिस इज द डैट इज एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस इसको 1.1 अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो ये मेरा एक्सेलरेशन निकल गया। तो बहुत ही सिंपल है, इस फार्मूला से आप यूज करें, गिवन डाटा लिख कर आपको उसको सॉल्व कर देना, लेकिन ध्यान देना यूनिट हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट कभी कभी आपका कोई कोई में किलोमीटर में होता है और कभी कभी मीटर में रहता है, तो सबको एक यूनिट में लाना होगा, या तो सबको सेकंड में टाइम सेकंड में लाना होगा, मीटर मीटर को मीटर में लाना होगा, इस पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए सेकंड, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में आप पढ़े कहे कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना मीटर स्क्वायर फॉर 2 सेकंड। तो इस केस में है, सपोज पहले ये बस क्या था, रेस्ट था, रेस्ट में था और ये स्टार्ट करता है मोशन में और कितना सेकेंड तक चलता है, ये 2 मिनट तक, 2 मिनट तक चलता है। तो कहता है कि इसका स्पीड, फाइनल स्पीड जो यहाँ पर होगा, फाइनल स्पीड यहाँ पे स्पीड कितना स्पीड होगा ये हमें निकालना है। डैट इज ए ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो गिवन डाटा में आप क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी मींस यू का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, चलिए और फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू व्हाट ये निकालना है आपको, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनफ्री एक्सेलरेटेड कह रहा है, इनफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1, तो आप 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और टी टाइम आपका कितना दिया हुआ है, टाइम आपका 2 मिनट्स, तो ये 2 मिनट्स को ध्यान देना है, इसको ऐसे ही डायरेक्ट पुट नहीं करना है, इसको सेकेंड, क्योंकि यूनिट सेकेंड में है, एक्सेलरेशन सेकेंड में, तो मिनट 2 मिनट में 120 सेकेंड हो गया। ओके, नाउ यूज करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या है, वी इजकल टू यू प्लस ए टी, तो वी इजकल निकालना है, पर यू का वैल्यू आपका कितना है, 0 प्लस ए का वैल्यू कितना है, 0.1 इंटू टी का वैल्यू कितना आ रहा है, 120। ओके, ए आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, तो वी इजकल टू ए 0 हो गया और इधर से इंटू करेंगे तो कितना 12 हो गया मीटर पर सेकंड, मीन्स आपका फाइनल वेलोसिटी वी का वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। और जब भी आपका आंसर आएगा तो उसको मैं फिर ये आपको यूनिट देना ज़रूरी है, यूनिट नहीं देंगे तो गलत होने का चांस है, नंबर कट सकते हैं। आई होप ये फर्स्ट इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल, फर्स्ट इक्वेशन फार्मूला पे हम लोग न्यूमेरिकल समझ गए कैसे बनाया जाता है। कुछ नहीं है, पहले सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे और उसके बाद आप सॉल्व कर देंगे, और कौन सा अगर इक्वेशन आपको यूज करना है ये गिवन डाटा से ही पता चल जाएगा। आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।